नमस्कार, आत्मा नमस्ते, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स। माई सेल्फ स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह, और आज हम जुड़े हैं मंत्रा एंड वी डे टू के अंदर, जहाँ पर हम बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मंत्र जाप का क्या प्रभाव है, मंत्रा हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, और कौन सा मंत्र किस तरह से गिना जाए। इस सीरीज के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग बातों को सीखने वाले हैं, तो आज डे टू के अंदर आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए, चलिए आज का हमारा सेशन, आज का हमारा लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इस लाइव वीडियो को जरूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मल्टीपल लोगों को इस नॉलेज का, इस एनर्जी का अच्छे से अच्छा बेनिफिट, अच्छे से अच्छा अनुभव मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड लेट द एनर्जी ऑफ, नमस्कार महामंत्र, एनर्जी ऑफ ऑल द यूनिवर्सल पावरफुल मंत्रास कम टूवर्ड्स ऑल ऑफ अस। प्रणामो अरिहंताणं, प्रणामो सिद्धाणं, प्रणामो आयरियाणं, प्रणामो उवसायाणं, प्रणामो नोवे सव्वसाहूणं, ऐसो पंचर मुकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिं पढ़मं हवई मंगलं, पढ़मं हवई मंगलं। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणाभण्डा श्री गुरुगौतम समरे वाञ्छितफलदाता मनोवांछित फलदाता। वी बो डाउन इन द फीट्स ऑफ गॉड एंड गुरुज एंड वी ऑल गेट गुड गुड ब्लेसिंग्स of very good health, wealth, peace, protection, prosperity, in full faith, so be it, so it is. Thank you. तो चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, और आज का हमारा ये पूरा जो सेशन है, हम कैसे जाप करना चाहिए। कल हमने बात किया था कि हमारे मन की एनर्जी के माध्यम से, मन के माध्यम से हम कैसे अपने आप को पावर दे सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, और साथ साथ में कल हमने बात की थी कि मंत्र जाप का जीवन के अंदर मंत्रास का क्या महत्व है, मंत्रास कैसे हमको मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और आज उसी सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि मंत्र शुद्धि के साथ साथ जाप कैसा होना चाहिए, जाप क्यों करना चाहिए, और जाप करके किस तरह से बैठ के पूरा विधिवत जाप करके हमको उस अनुष्ठान का किस तरह से मैक्सिमम फायदा हो सकता है, वैसी बहुत सारी बातों को आज हम सीखेंगे। और साथ साथ में नमस्कार महामंत्र का आज एंडिंग में बहुत कुछ अच्छे से प्रयोग हमारे चक्रास के ऊपर कैसे हो सकता है, उसका 15 मिनट्स का लाइव रहेगा, तो
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को जोड़े इस लाइफ के अंदर, और आप भी बने रहिए, आप भी जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी बहुत अच्छे कवि ने लिखा है कि धरती चलती तारे चलते, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखरे, हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत के हारे मत बैठो, हिम्मत के हारे मत बैठो। जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, और जीवन के अंदर कुछ बहुत ही अच्छा आउटकम हमारी लाइफ के हर एक फेज में अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको कभी भी हिम्मत को हारना नहीं है। हिम्मत को हार के, लेजी होके, प्रोक्रास्टिनेशन करते करते बैठना नहीं है, क्योंकि प्रकृति का क्या स्वभाव है? चलना, चलते रहना। एंड चेंज इज ओनली द ग्रोथ, चेंज इज द नेसेसिटी, एंड हर एक चीज परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तनशीलता के साथ साथ जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, जब हम उस चेंज को एडॉप्ट करते हैं, और जब हम हमारी लाइफ को गति देते हैं, तो सच में प्रगति के पंथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने बोला है, किसी ने लिखा है, और बहुत ही जाने माने विद्वान लोगों ने ये बातें कही हैं, लिखी हैं, कि महावीर परमात्मा की पूजा बहुत सरलता से की जा सकती है। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि महावीर परमात्मा की पूजा बहुत ही ज्यादा सरलता से की जा सकती है, पर उनके आदर्श और उनके संदेशों को ईमानदारी पूर्वक लाइफ टाइम जीना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। रोज सुबह उठ के नवांगी पूजा तो हमने कर ली, पर परमात्मा का जो आदेश है, परमात्मा का जो संदेश है, क्या हमने हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बुनने का प्रयास किया? या हमने उस रास्ते पर चलना शुरू किया? और अगर हमने किया भी है, तो क्या हम सस्टेन रहते हैं उस रास्ते के ऊपर? ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। राम भगवान की पूजा करना बहुत सरल है, राम भगवान की पूजा करना बहुत ही ज्यादा सरल है, परंतु राम परमात्मा की, राम भगवान की मर्यादाओं को जीवन में जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिनको बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस तरह की मर्यादा हर एक जगह पर, हर एक फेज ऑफ लाइफ में हमको हमारी लिमिट्स, हमको हमारी मर्यादा जरूर पता होनी चाहिए। इफ वी नो अबाउट आवर ओन लिमिट्स, देन वी कैन गेट आउटपुट विच इज इनफाइनाइट, विच इज लिमिटलेस। पर अगर हमें हमारी मर्यादा पता है, तो राम की पूजा करना बहुत सरल है, पर राम की मर्यादाओं में जीवन जीना उतना ही मुश्किल है। तो कृष्ण की पूजा तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोलते बोलते कृष्ण भगवान की हम पूजा भी कर सकते हैं। और इवन कुछ ग्रंथों में जैनिज्म के हिसाब से लिखा हुआ है कि कृष्ण परमात्मा का जो जीव है, कृष्ण महाराजा का जो जीव है, वो आवती चौबीसी, नेक्स्ट जो 24 तीर्थंकर की पूरी चौबीसी आएगी, उसके अंदर तीर्थंकर स्वरूप में, तीर्थंकर परमात्मा के रूप में हमको उनकी ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। तो वैसे महान आदर्श, ऐसे कृष्ण की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कर्मयोग था, उस कर्मयोग को जीना बहुत दुष्कर है। और अगर श्रीमद् भागवत गीता का हम खाली सारांश भी सीख ले, भागवत गीता के हिसाब से अगर हम हमारी लाइफ सेट करके आगे बढ़ाए, तब तो उम्दा है, बेहतरीन है। परंतु अगर हम उस अमूल्य खजाने में से अगर उसका सारांश भी सीख ले कि अत्र तत्र सर्वत्र हर एक चीज में मैं हूं, यहाँ पर मैं का मतलब क्या है? परम तत्व, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान, जो शब्द आप बोलो, लॉर्ड, अल्लाह, गॉड,
जिस शब्द में आपको उनकी पूजा करनी है, हर एक सृष्टि के हर एक कण कण में मैं हूँ, जो श्रीमद् भागवत गीता जी के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण ने बोला है। तो वैसे कृष्ण भगवान की तरह कर्म योग को जीना बहुत ही ज्यादा दुष्कर है। बुद्ध की पूजा बहुत सहजता से कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो करुणा थी, उस करुणा को जीना शायद आज हम सब के लिए उतना ही कठिन है। तो हम महावीर को मानते हैं, पर महावीर की मानते नहीं है। वो शब्द का थोड़ा सा डिफरेंस है, हेरा फेरी है कि हम महावीर के संतान हैं। वी ऑल आर वेरी मच प्राउड टू बी जैन एंड वी शुड। हम महावीर को मानते हैं, पर अंदर से पूछना, आत्मा को पूछना, खुद को पूछना और खुद को ही जवाब देना कि क्या हम महावीर की मानते हैं? क्या उनके आदर्शों के हिसाब से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत 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 ही अच्छी बात है। बहुत ही शांति से हम हमारे जीवन को एक अलग ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के राह पर ले जा सकते हैं। इंसान की सोच, इंसान की शांति, समृद्धि और उनकी आत्मा, हर एक लिविंग बीइंग जो समझ सकता है, पंचेंद्रिय की पूर्णता आप देखिए परमात्मा ने मनुष्य को दी है, हमको दी है, और साथ साथ में बाकी जितने भी जीव है उनके पास क्या मिसिंग है? कोई बोलेगा वाणी मिसिंग है, कोई बोलेगा घर मिसिंग है, कोई बोलेगा कुछ मिसिंग है, पर अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास मन मिसिंग है, उनके पास बुद्धि शायद थोड़ी बहुत है, 5% 2%, बट मिसिंग है उनके पास ये वाचा, एक्सप्रेशन का पावर, बोलने की शक्ति। और बोलते हम कहाँ से हैं? कल की बात को मैं एक बार जरूर कनेक्ट करूंगी डॉट्स को, कि कल हमने बात किया था कि हम जो वर्ड्स यहाँ से निकालते हैं वो आते यहाँ से हैं। जो हमारा सोच है, जो हमारा विचार है, वो विचार ही हमारा शब्द बन के बाहर निकलता है और हमारा शब्द हमको बनाता है, और हम हमेशा फ्यूचर को डिजाइन कर रहे होते हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट व्हेन वी आर सेइंग समथिंग गुड और समथिंग बैड, वी आर क्रिएटिंग ओन फ्यूचर, आवर ओन फ्यूचर। तो अल्टीमेटली हम हमारे देश का भी वही फ्यूचर बना रहे होते हैं। तो मन बहुत बड़ी शक्ति है। मन बहुत ही ज्यादा जब कोई एक काम को करने में रत हो जाए, कोई एक काम के साथ जुड़ जाए, तो वो धीरे 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 इंसान को आत्मिक शक्ति भी प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है। और ये गिफ्ट है हम लोग सबको, सबके लिए, कि जब मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप मन से जब करें तब आउटपुट देना शुरू कर। काफी केसेस आते हैं मेरे पास क्लाइंट्स कि आपने बोला था हमने 54 डेज तक जाप किया, पर हमारा जो संकल्प था वो फलीभूत नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत गति मिला, 5% 10% हमको गति मिला, पर हमने जो संकल्प लिया था वो फलीभूत नहीं हुआ। उन सबको आज ये आंसर देना जरूर चाहूंगी कि मंत्र जाप आप जो कर रहे हो, चाहे आप बहुत सच्ची श्रद्धा से कर रहे हो, दिल से, लगन से, पूरा टेक्निकली प्रॉपरली बैठ के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप कर रहे हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। और उस जाप में क्या मिसिंग है, आज के लाइव में उसके जवाब आप सबको मिल जाएंगे कि आप अब तक कैसा जाप कर रहे थे और अब से आपको आपके जाप में क्या सुधार करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है जाप के अंदर। तो हम बात कर रहे थे इंसान की सोच के बारे में, तो इंसान की सोच इंसान की शांति, समृद्धि और आनंद की आत्मा है, क्योंकि हमारी सोच से ही हम बनते हैं। दैट पॉइंट इज नाउ टोटली क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट? तो आज हम दुनिया को
जो सुंदर और खुशनुमा स्वर्गनुमा जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो भी इंसान की सोच का ही कमाल है। आप देखो, साइंस ने इतना प्रगति किया, तो ये जो साइंस का प्रगति है वो एक्चुअली देखा जाए तो क्या है? साइंस क्या है? साइंस क्या कोई जिंदा इंसान है? नहीं, साइंस बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट लॉजिकल माइंड का एक आविष्कार है। साइंस किसी ना किसी का आइडिया है, साइंस किसी ना किसी का प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल है, साइंस किसी ना कुछ खोज किया है। 100 बार, 1000 बार, 5000 बार कोई प्रयोग फेल होता है और एक प्रयोग उसके अंदर से बन के बाहर निकलता है और वो वंडर्स क्रिएट करता है। सर आइजेक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, हमने सबके बारे में सब कुछ सुना है, हमको पता है उन सबके बारे में। कि साइंस है क्या? बिजली आई, टेलीफोन आया, साइंस क्या है? तो साइंस भी इंसान की सोच है। इंसान की सोच का कमाल है कि आज हम इतना लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, इजी गोइंग इजी लाइफ जी रहे हैं। आप थोड़ा पीछे चले जाओ, 1940s में, 1930s में इतना इजी कम्युनिकेशन नहीं था, इतना इजी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना नहीं था। इवन 1960-70 तक के दौर में आपने देखा होगा लोगों को यात्रा करने जाना वॉज द बिगेस्ट टास्क। लाइक पालीताना जाने के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा जोड़ के, आराम से सोच के, एक का कुछ गाड़ा बोलते थे ना, बड़द गाड़ा करके, कार्ट्स में, एनिमल कार्ट में बैठ के धीरे 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 जाते थे। और आज देखो, आज आपको मन हुआ, अभी गाड़ी का किक स्टार्ट किया और आप शंखेश्वर जी चले गए, आप पालीताना जी चले गए, आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। यात्राएं इतनी इजी हो गई, व्हाई? बिकॉज साइंस हैज बीन डेवलप्ड। साइंस एक्चुअली किसका आविष्कार है? तो हम सब की, यानी कि हाईली लॉजिकल इंसान जो है उनके खुद के दिमाग की सोच का ये आविष्कार है। तो इंसान के अंदर, इंसान को सोचने की ये जो ताकत मिली है, बोलकर ऊंचाई को छूने की जो कला मिली है, अगर वो प्रॉपरली सीख ले और उसमें साथ साथ में अगर मंत्र जाप शामिल हो जाए, मंत्र मंत्राक्षरों का पावर, यूनिवर्सल जो हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र जब आपके औरा के अंदर, आपके एनर्जी बॉडीज के अंदर आ रहा है, आपको वो वाइब्रेशंस दे रहा है और आपको पॉजिटिव पावर जब ले रहे हैं, तो स्वर्ग के जो सातों सुख है, बोला जाता है स्वर्ग के अंदर 7 बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं, तो स्वर्ग के सातों सुख आपकी मुट्ठी में होंगे, यहीं पर, इसी घर में, इसी फैमिली में, इसी वर्क प्लेस पर और इसी कलीग्स के साथ रह के। मात्र हमको हमारी सोच के ऊपर काम करना है। सोच को पॉजिटिव करते 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 एक पॉइंट पर आकर, एक्सेप्टेंस लाकर, खुद जब तक आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप या मैं या कोई भी, जब तक हमारा एक्सेप्टेंस पावर नहीं होगा, नहीं डेवलप होगा, तब तक कोई भी प्रकार की, कोई भी अच्छे से अच्छी पॉजिटिव प्रोसेस भी हमारे ऊपर लागू नहीं होगी, हमको आउटपुट नहीं देगी। फिर चाहे आप नमस्कार महामंत्र गिनो, या आप कृष्ण जी का मंत्र गिनो, या आप गायत्री मंत्र की साधना करो, उपासना करो। काफी कुछ मेरे पास क्लाइंट्स है जिन्होंने 1 करोड़ गायत्री मंत्र की साधना करी हुई है, 1 करोड़ कृष्ण मंत्र की साधना करी हुई है, और वो महान बड़े बड़े साधक है, दिल से उनको नमन है। उनको ये पावर मिला कहाँ से? कुछ उन्होंने इनकलकेट किया अपने पूर्वजों में से, और कुछ उन्होंने खुद ने डेवलप किया। तो ये डेवलप हुआ कहाँ से? अगेन, अपनी सोच के माध्यम से। आप जैन में भी हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े बड़े मारा साहेब जी होते हैं, जो कितने जाप करते हैं, कितनी सारी साधनाएं करते हैं। हमारे भी जो नवकार मंत्र के, जो जिसको अठंग उपास बोला जाए, वैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है, परंतु परम पूज्य श्री जयंत भाई राही जी हमारे जैसे ही श्रावक थे, पर उनका जो नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा, नवकार मंत्र के प्रति का एक स्पंदन,
और नौकार की आल्हा जगाने का एक जो अभियान था, हम सब जानते हैं अष्टांग उपासक थे नमस्कार महामंत्र के। और आज हम जो नमस्कार महामंत्र का अभी ये 2-3 दिन में कुछ सीखेंगे, काफी कुछ श्री जयंत भाई राही जी ने जो अपने शिविरों में सिखाया है, जो उन्होंने अपने बुक्स के अंदर, अपने मैगजीन्स के अंदर दिया है, उसका कुछ संकलन करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसे नमस्कार महामंत्र की साधना, ये अमूल्य मंत्र जब हमको मिला है तो हमको कैसे रखना है, बहुमान पूर्वक उस मंत्र को स्वीकारना है। कितने ऐसे नॉन जैन होते हैं जो बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी दैट यू आर इन जैनिज्म, आपको तो बाय बर्थ नौकार मंत्र मिला हो। हम तो बीइंग अ नॉन जैन भी नमस्कार महामंत्र की साधना कर रहे हैं और उस मंत्र के आलंबन से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। एक कहीं किसी की मैंने बात सुनी थी, कथा सुनी थी, कि एक फकीर थे, मतलब मोमेडियन के जो फकीर लोग रहते हैं, कि जो प्रॉपरली पॉजिटिवली पूरा काम करते हैं। एक फकीर थे, कोई एक गांव में सब जगह पर किसी को सर्प का डंश लग जाए, किसी को कुछ ऐसा अचानक से बिच्छू काट जाए, तो तब के टाइम में तो कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे कि फटाफट 108 को कॉल किया और पहुंच गए। तो वो फकीर को बुलाते थे, वो कुछ ऐसे मंत्र करके पानी छिड़कते थे और उस बंदे का वो जो भी सर्प का दंश है जो भी है वो निकल जाता था। बहुत नामना हो रही थी, वो फकीर मतलब सबका निस्वार्थ भाव से सबके लिए आशीर्वाद के स्वरूप में सबका सर्प दंश का या जो भी जहर है वो निकालने का राहत कार्य कर रहे थे। एक बार क्या होता है, एक जैन फैमिली के एक बच्चे को सांप काट जाता है सर्पदंश से। वो सांप ऐसे आया, वो बच्चा थोड़ा पीछे भी जाए, उसके पहले सांप ने काट दिया और चला गया। और सब लोग अपने उनके घर में बहुत शौक में आ गए, अचानक से इतने छोटे बच्चे को ये हो गया, अब क्या करे क्या करे। किसी ने सुझाया कि अरे बाजू में ही तो वो फकीर जी है, उनको बुला लो, वो ये फटाफट सर्पदंश हटा देंगे। तब जाते हैं, उनको बुलाते हैं कि महाराज जी चलिए आप, हम हमारे बच्चे को ऐसे हो गया है तो आप ये सर्पदंश फटाफट हटा दीजिए। फकीर जल्दी जल्दी आते हैं, आकर एक ग्लास पानी का मंगवाते हैं, अपने नजर के सामने रखते हैं और कुछ हाथ ऐसे घुमा के कुछ मंत्र बोलते हैं मन के अंदर, और देखते ही देखते फिर पानी भी छिड़क देते हैं वो मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ। और जैसे ही पानी छिड़कते हैं तो देखते ही देखते जहाँ पर सर्प का दंश था वहीं से वो पूरा खून जो भी जहर था वो बाहर निकल जाता है और वो बच्चा ऐसे खड़ा होता है धीरे धीरे और बोलता है अरे सब क्यों इकट्ठा हुए हो, क्या हो गया। मीन्स दैट चाइल्ड वॉज क्वाइट नॉर्मल, सो एवरीबडी वॉज लाइक कि वाह ये तो मिरेकल हो गया। सब लोग बहुत वो फकीर जी को थैंक यू बोलते हैं, उनको बिठाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और पूछते हैं, क्योंकि वाणिया वाणिया बोलते हैं ना कि लालो लाभ वगर ना लोटे, कुछ तो सीखना है और कुछ नया देखा तो तुरंत जानने की जिज्ञासा। वो श्रावक बोलते हैं, पूछते हैं फकीर जी से कि अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप ये मंत्र जो आपने अभी गिना मन के अंदर, जिससे हमारा बच्चा एकदम सजीवन हो गया, उसको हमको सिखा सकते हैं क्या? आप क्या हमको उसको मंत्र को सीखने की अनुमति देकर आप थोड़ा सा उसका साधना का विधि और सब बता सकते हैं क्या? तो इससे क्या फायदा होगा कि आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर कभी आप कहीं और जगह पर बिजी है तो हम भी किसी की कुछ मदद कर सके। हमारे संघ में बहुत सारे साधु साध्वी जी रहते हैं तो उनको हम कहीं पर कुछ वयावज कर सके, तो अगर आप सिखा सके तो कृपया हम आप हमको वो मंत्र, आपने जो भी आपके धर्म का प्रोसेस किया प्लीज आप सिखाइए। बहुत हम्बल बहुत पोलाइटली वो श्रावक उनको पूछते हैं और पूरा घर परिवार सब लोग बैठे हुए 10-25 लोग, और फकीर जी बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तो सिखा सकता हूँ, ये मंत्र तो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आप अगर श्रद्धा से एक बार गिनोगे तो भी आपके सारे काम हो जाएंगे। और ना तो सर्पदंश, पर आपको जीवन में आप कहीं भी ब्लॉकेज में फंसे हुए हो, आपको कुछ रिलेशनशिप की तकलीफ है, आपको कहीं पर कुछ हेल्थ के रोग है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, आप ये मंत्र गिनना, ये मंत्र तो एकदम रामबाण इलाज है।
सब लोग बैठ जाते हैं। जी बाबा जी, जी बाबा जी, जी महाराज जी, बताइए। हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और ये फकीर जी शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणम। और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अरे ये फकीर जी नमो हरिहंताणम से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलने देते, शायद जैन है समझ के बोल रहे होंगे। फकीर जी आगे बोलते हैं, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। और आप पेशेंस नहीं रहता है लोगों का। श्रावक तो तुरंत खड़े होके बोलते, अरे बाबा क्या आप ऐसा कर रहे हो, आपको सिखाना है तो ये मंत्र आपका सिखाओ, ये तो आप हमको हमारा ही मंत्र सिखा रहे हैं। ये साइड में जो एक बच्चा खेल रहा है, इधर आ, इधर आ, 10 साल का छोटा सा बच्चा खेल रहा था उधर, बुला इधर आ, इधर आ, चल बेटा बोलो तो नौकर मंत्र बोलो तो वो अपनी काली वाली भाषा में बोलता है, नमो अली अंतानम, नमो सीदानम, नमो आयम। और ये तो हम सबको आता है, ये तो हमको बाय बर्थ मिलता है। इवन माँ के पेट में हम होते हैं तब भी हम नौकारी सुन रहे होते हैं, और बाहर निकल के भी कान में पहला शब्द तो यही पड़ता है। ये क्या बाबा जी, आप तो हमको हमारा ही मंत्र दे रहे हैं। हमको हमारा मंत्र नहीं, आप जो करे, आपने मेरे इस बच्चे को जो सजीवन किया वो मंत्र दीजिए, हमको वो सीखना है। और तब फकीर जी हंसते हुए बोलते हैं कि आपके धर्म के इस मंत्र के अंदर जो महत्व, जो गहन रहस्य भरा पड़ा है, जो चमत्कार सर्जने का एक विशिष्ट ऊर्जा भरा पड़ा है, वो दुनिया के और किसी भी मंत्र में नहीं है। ऐसा बोल के फकीर जी तो खड़े होके चले जाते हैं। पर इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि मंत्र, उसमें भी परम उपकारी सर्वोच्च मंत्र, ऐसा हम सबका, हम सभी जैनियों का प्यारा, प्राण से भी प्यारा ऐसा श्री नमस्कार महामंत्र। और ये नमस्कार महामंत्र हमको बिना मांगे मिला है, इसलिए शायद हम उसका उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कहीं पर मैंने सुना था कि जिस चीज का आपको अबंडेंस मिल जाए ना, माने आपको विपुल मात्रा में बिना मांगे अपने आप फटाफट 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 मिल रहा है ना, उस चीज का फिर वैल्यू नहीं होता, उस चीज की आपको कदर नहीं होती। ये हम सबका ह्यूमन नेचर है, इजीली मिल गया ना तो क्या है, ठीक है ना। बट आप सोचो, कोई तो जन्म के ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे तभी ये महामंगलकारी नमस्कार महामंत्र, पंचमंगल श्रुत महास्कंध हमको मिला है। तो ऐसा हमारी सोच, जितना हम सोच के अंदर हमारे मंत्र को बिठा के रखेंगे, और वो भी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना काम धंधा बंद करके उपाश्रय में बैठ के या घर में बैठ के 24 कलाक जाप करो और लक्ष्मी का ढगला होगा, आप जाप करो और आप दवा खाए बिना खड़े हो जाओगे, ये नहीं बोल रही। मैं आपको खाली इतना अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि जो मंत्र आप गिनते हैं सदियों से, सालों से, कई लाइफ टाइम से आप गिनते आ रहे हैं, उस मंत्र को रियल में उसका तत्व समझें, उस तत्व को स्वीकारें, और उसका स्वीकारत्व भाव के साथ सच्चे हृदय से, हरे हृदय से उसको चैंट करे, तब उसका रियल आउटपुट आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, हम जो चाहे वो फटाफट फटाफट मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? देन आई वुड से यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज 100% पॉसिबल, इफ एंड ओनली इफ वी हैव दैट संपूर्ण टोटल सरेंडरशिप, संपूर्ण परमात्मा का नाम स्मरण, मात्र नाम जप, अरिहंत अरिहंत अरिहंत, असिया उषा असिया उषा असिया उषा, खाली अ अ अ 500 बार बोलने से एक उपवास का लाभ है, अरिहंत सिद्ध 300 बार बोलने से एक उपवास का लाभ है, असिया उषा 450 बार बोलने से एक उपवास का लाभ है। आपको करना क्या है, जस्ट एज अ स्विच वर्ड मन में समझ के बोलते रहो ना, काम करते रहो, अपना टाइपिंग का काम है टाइपिंग करते रहो, आपके वर्क प्लेस में बैठकर खाली 5 मिनट के लिए असिया उषा का जाप करो, 80% ऑफ योर कलीग्स विल बी योर फेवरेबल,
आपकी ऑरा, आपके डेस्क की ऑरा, और मे भी आपका जो केबिन आपको इनकेस मिला है, तो उस केबिन की पूरी ऑरा वो पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का पावर आएगा, एट्रैक्शन का पावर आएगा, क्लेंजिंग होगा, क्योंकि जहां पर असिया उषा अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का वास है, वहां पर कोई अनिष्ट, कोई भूत प्रेत पिशाच रह ही नहीं सकते हैं, ये प्रूवन है। तो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव एक फॉर्मूला है, कोई भी मंत्र को जाप करने से पहले। बींग अ जैन, शायद मैंने ज्यादा थोड़ा सा अध्ययन परमात्मा की कृपा से, देवगुरु की कृपा से जैनोलॉजी में किया है, जैनिज्म के बारे में किया है, पर आई वुड से कि मेरे जितने भी नॉन जैन क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको भी मैं जरूर बोलूंगी कि आप जिस मंत्र को रटना चाहते हैं, दिल से जो मंत्र निकल के आता है, वो अल्लाह हू अकबर है या ओ जीसस है, वो शायद जय श्री कृष्ण है या जय श्री राम है, जो भी मंत्र है, एक मंत्र को पकड़ के रखिए जो दिल से आ रहा। ऐसा नहीं कि 50 रैंडम रील्स में, रैंडम यूट्यूब्स में मैंने मंत्र देखे, लिस्ट बनाया, अब उस 100 मंत्र को गिन रही हूँ। चलो प्रोटेक्शन के लिए दुर्गा माता, इसके लिए काली माता, इसके लिए लक्ष्मी माता, इसके, नो, डोंट डू दैट। हाँ, सब देव देवियों की कृपा लो, दैट इज वेरी गुड, पर आप स्विच 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 50 बार करोगे तो फिट नहीं हो पाओगे कहीं पर भी। एटलीस्ट होल्ड 1.1 पॉजिटिव या फिर 1 मंत्र को पकड़ो, और अब उस मंत्र में जब आपको लगे कि ओके आई एम रेडी टू हैव द एनर्जी ऑफ दिस मंत्रा इन टू मी, तब आप भले दूसरे दूसरे मंत्रा को भी सीखो, समझो, उनको एक्सेप्ट करो, उनका एनर्जी आप अनुभव करो, उस एनर्जी के माध्यम से अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका एक इष्ट मंत्र होना चाहिए, राइट? तो अपना इष्ट मंत्र आप खुद नक्की करें जो अंदर से आ रहा है। हिंदू लोगों के अंदर, हमारे में, हिंदू शास्त्र के अंदर गायत्री मंत्र उतना पावरफुल है, देन महामृत्युंजय मंत्र उतना ही पावरफुल है, कृष्ण भगवान का मंत्र श्री कृष्ण वासुदेवाय, देन नारायण मंत्र उतना ही पावरफुल है, श्री राम जय जय राम। इवन हमारे जामनगर का तो ये भी सौभाग्य है कि कितने वर्षों से अखंड राम धुन चालू है, 24/7, 365 डेज। इवन सुनामी आए, इवन कोई भूकंप आए, इवन कोई साइक्लोन आए, इवन कोरोना आए, कुछ भी आए, सतत अखंडित स्वरूप से राम धुन चालू है। मात्र शब्द क्या है? श्री राम, जय जय राम। खाली राम नाम में वो ताकत है कि जीवन के अंदर जो चाहो वो मिले, पर तुम मांग कैसे रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा कितनी पावरफुल है? तुम्हारा अंदर का बर्निंग डिजायर कितना है? उस हिसाब से ऊपर से मिलता है, क्योंकि परमात्मा ऐसे बैठे हैं, ऐसे मतलब ब्लेसिंग्स लो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो हम ऐसे नहीं कर रहे ना, हम इधर उधर 50 जगहों पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और परमात्मा के सामने थैंक यू, कभी थैंक यू, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। अरे भगवान फ्री बैठे हैं क्या? भगवान ने तथास्तु लिख दिया है कब से, छठी जब हमारी हुई, 6 दिन के हम हुए थे, तभी भगवान ने हमारे नसीब के पन्ने पर इधर लिख दिया था, तथास्तु सो बी इट। अब तुम अच्छा सोच के अच्छा करोगे तो भी तथास्तु, तुम बुरा सोच के बुरा करोगे तो भी तथास्तु। भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है, भगवान किसी को पार्शियलिटी वे में नहीं ट्रीट करते हैं, वो परम तत्व है, वो अपनी सिद्ध मुक्त गति में है। हमको हमारे कर्म, सोल की जो एक साइकिल है, वो सोल की साइकिल, अच्छे बुरे, राग द्वेष मोह माया लोभ लालच काम क्रोध उसमें लेकर जा रही है, तो उस चीजों में से धीरे धीरे निकलना है, तो सबसे पहला काम करना होगा अपनी सोच के ऊपर। और अगर हमने हमारी सोच के ऊपर काम कर लिया, तो क्या हो सकता है कि नो नेगेटिव बी पॉजिटिव आज का मंत्र। नमस्कार महामंत्र के बारे में तो जरूर आज बात करेंगे ही करेंगे, परंतु आज का प्रैक्टिकल मंत्र,
नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी है बट कीप बी पॉजिटिव विथ यू। तो उससे क्या होगा कि जिससे टूटे हुए रिश्तों में मिठास, रूठे हुए दिलों में फिर से आशा की किरण और परिवार के अंदर, संसार के अंदर सामंजस्य वापस ला सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का ये जो बड़ा कमाल है, तो जीवन की या फिर देश दुनिया की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, सारी बाधाओं को एक साथ क्लियर कर सकते हैं, पीस से, पॉजिटिविटी से एंड बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे भावों के साथ। तो ऐसा हमारा परम उपकारी, परम हितकारक नमस्कार महामंत्र। और नमस्कार महामंत्र के बारे में तो जितना बोला जाए कम है, जरूर नमस्कार महामंत्र के लिए स्पेशल भी एक पूरा सीरीज में लेकर वापस आऊंगी ही आऊंगी। बिकॉज नाउ वी ऑल विल बी ऑलवेज इन टच एवरी मंथ, एक या दूसरे, जब जब मुझे मेरे शेड्यूल से समय मिलता है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू कम 5 days, 7 days, 3 days, जितना पॉसिबल है, संयोग और शक्ति के हिसाब से मैं आपके सामने आती रहूंगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए, मल्टीपल लोगों को जोड़ते रहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इस बात को, इस भावना को पहुंचाने का एक जरिया आप भी बने। तो बात करते हैं मंत्र की महिमा। नमस्कार महामंत्र, ये आप जनरल टर्म्स में पहले बात कर रहे हैं कि कोई भी मंत्र की महिमा क्या है। अगर उस मंत्र को आप सच्चे दिल से स्वीकारते हो, अगर उस मंत्र की साधना आप रियल में करना चाहते हो, तो मंत्र एक संसार का सार है, पूरे संसार का सार, आधारभूत, आधारशिला एंड बेस इज दी मंत्र। तीन जगत के अंदर सर्व प्रकार के पाप और दुश्मनों का नाशक यह मंत्र है। ऐसा ये नमस्कार महामंत्र हमारे संसार को संपूर्ण खत्म करने वाला, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, हमको जन्म वापस वापस ले तो रहे हैं, पर एक स्टेज पर जाना है कि जब जहां जन्म न हो, जरा यानी वृद्धावस्था बहुत कठिन है। कमर दुखना ने, पैर दुखना ने, मजा नहीं आना ने, आंख की रोशनी जाना ने, कान चले जाना ने, ये सब जो दिक्कतें हैं, उस जीवात्मा को अंदर से एक तड़फड़ाहट होती है। और जितना आयुष्य है जीना है, पर अगर उस आयुष्य को हंसते हंसते नवकार मंत्र के सहारे के साथ जी लिया, तो ये बाहर की सारी बाधाएं पीड़ाएं आपको टच नहीं करेंगी। चाहे रियल दृष्टि नहीं है, पर अंतरदृष्टि खिल जाएगी। रियल नहीं सुनाई देता है, डॉक्टर के हिसाब से 80% कान आपका बंद है, फिर भी आप सुन सकते हो। आपके अंदर के आत्म को जगाओ, उस नमस्कार महामंत्र का अरिहंत 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 नाम खाली आपके कान की चेतना वापस जरूर ला सकता है। मात्र आपकी श्रद्धा मैटर करती है। मैं यहाँ से, इस मंच से कितने भी बार बोलूं, आई एम रेडी टू गिव ऑल द वे ऑल द लेक्चर्स। दो तीन संघ भी कनेक्ट हुए हैं, बोल रहे हैं कि आप वहां हमारे यहाँ आके पूरा इस चीजों को थोड़ा और ब्रीफली, अलोबरेटली आप समझाएं, सिखाएं। तो जरूर आई वुड टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल। आई एम ओपन इफ यू आर यू नो ऑर्गेनाइजिंग सम कैंप्स और समथिंग, आप कहीं पर ट्रस्टी है कोई संघ के अंदर है, और आप अगर चाहते हैं कि नमस्कार महामंत्र के बारे में, भक्तामर के बारे में, वो सगहरम के बारे में जन जन तक एक सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में और हीलिंग के साथ साथ, उस ऊर्जा के साथ साथ कनेक्शन मिले, तो जरूर मैं आपके यहाँ आकर पूरा आपको बैठ के 2 घंटा 3 घंटा सिखाने को, समझाने को रेडी हूँ। यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू मी, आई एम रेडी टू सर्व यू पीपल। तो यहाँ पर हमारे मंत्र जाप का प्रभाव कि संसार का जन्म जरा ने मृत्यु इसको निवारण करना रहा, ऐसा ये मंत्र। कर्म का सर्वथा निर्मूलन करने में समर्थ है ऐसा मंत्र। कार्मिक साइकिल हम क्यों करते? उपदान तप। उपदान तप यानी कि सर्वत्र संसार के कामों से विरक्ति और आत्मिक कामों के अंदर अंदर जाना, आत्मिक कार्य को समझना,
पहले तो आत्मा को समझना, आत्मा से परमात्मा के कनेक्शन को समझना, और उस आत्मा के ऊपर लगे हुए जो षट कर्म है, उस कर्म की निर्जरा हेतु ये उपध्यान तप होता है। और ऐसे महानतम उपध्यान तप को जो करने वाला, जो मोक्ष की माला पहनता है, वो जब नवकार मंत्र की साधना में जुड़ता है, वो बंदा जब रियली दिल से खाली करने को उपदान कर ले, मेरी फ्रेंड जा रही थी ना, मैंने भी फॉर्म भर दिया, मैं भी जा रही हूँ, जाओ, अच्छा है कि चलो फ्रेंड के आलम्बन से साथ साथ में हो गया, पर वंस यू आर देयर जस्ट बी इन टू देयर। फिर वहां पर भी चलो फोन बंद है, स्विच ऑफ करके पेड़ी में दे दिया, पर फिर भी मन में जो चिंता है ना, अरे अब तो 45 डेज हो गए, घर पे पता नहीं क्या हुआ होगा, मैंने गैस लिखवाया था, गैस का सिलेंडर आया होगा कि नहीं, वो बराबर से वो जो रसोई वाले बहन है वो आते होंगे कि नहीं, वो बराबर से वॉशिंग मशीन चल रहा होगा कि नहीं, यही चिंता अगर करनी है तो बेटर ना घर पे बैठ के भाई करो, जरूरत क्या है। जब तक आत्म तत्व को अनुभव करना नहीं सीखा, तब तक हमने बाह्य रूप से जो भी क्रिया करी वो मात्र क्रिया है, और फिर हम पूछते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी क्रिया का फल क्यों नहीं मिला, फल मिलेगा कैसे, तुमने स्वीकारा, स्वीकार के उस चीज को फॉलो किया तो उसका फल कुछ ना कुछ दिखे। तो ऐसा ही महामंत्र हर प्रकार के कर्म का छेद करता है, विच्छेद करता है, टोटल कार्मिक निर्जरा कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमको सिमंदर स्वामी के पास जाना है, सिमंदर स्वामी की देशना में सुन रहा हूँ, और जीवन के अंदर बर्थ होते ही महाविद्य क्षेत्र में जन्म हो, और उसमें भी 8 साल का जब मेरा आयु हो तब मुझे सिमंदर स्वामी के हाथ से ओघा मिले, वो रजोहरण मिले, और मैं जीवन के अंदर आत्मिक साधना करके क्रमिक मुक्ति को प्राप्त करूं, तो इन सब के अंदर हमारे विषय के विष को हरने वाला, संसार चक्र को तोड़ने वाला, राग द्वेष काम क्रोध मोह माया, इन सब को तोड़ने वाला कोई अगर मंत्र है तो सर्व सिद्धि देनार ऐसा ये शिव सुख देनार मोक्ष फल देनार ऐसा ये श्री नमस्कार महामंत्र है, श्री नवकार महामंत्र है, और साथ साथ में ये कैवल्य ज्ञान को प्रकट करता है। अभी मैं एक बहुत अच्छे महाराज साहब की वांछना में गई थी, लास्ट टू लास्ट वीक, मेरा एक क्वेश्चन रहता था जहां जहां मैं जाऊं कि परमात्मा किसका ध्यान करते होंगे, सब लोग बोलते हैं कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मैं खुद भी ध्यान करती, इवन आई एम ऑल्सो प्रमोटिंग दिस मेडिटेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज, बट वन क्वेश्चन वॉज देयर इन साइड ऑलवेज कि आदिनाथ भगवान किसका ध्यान करते होंगे, अजितनाथ भगवान के पास तो उनके पहले के तीर्थंकर यानी आदिनाथ दादा थे, ऐसे क्रमिक अगर आप देखो तो 2nd नंबर से लेकर 24 नंबर के सभी परमात्मा के पास आलंबन लेने के लिए तो एटलीस्ट एक भगवान या आगे के सारे भगवान थे, पर जो मूल है, जो शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप दे रहे हैं, वो किन का ध्यान कर रहे होंगे। तो ये जवाब मुझे उस वाचना में मिल गया विदाउट आस्किंग, दिस क्वेश्चन जस्ट वॉज इन माई माइंड, मैंने रेज नहीं किया था, पर उस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल गया। हर एक तीर्थंकर परमात्मा, हर एक, आप आदिनाथ भगवान बोलो, अजितनाथ बोलो, संभवनाथ बोलो, महावीर स्वामी बोलो, जो भी भगवान का नाम लो, हर एक आत्मा पहले तो तीर्थंकर बन सकता है, पॉइंट 1। एंड पॉइंट 2, हर एक आत्मा जब स्व को जान लेता है, स्व की अनुभूति कर लेता है और स्वीकार कर लेता है, मैं सत्ता में सिद्ध आत्मा हूं, सत्ताए सिद्ध आत्मा छू, मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम, मैं सिद्ध परमात्मा हूं। पर ये स्वीकार कब होगा, घर में रहते रहते शायद हो सकता है, पर अभेदपना झाड़ना पड़ेगा, मैं और मेरा, मेरा आत्मा और मेरा बॉडी का ये कॉस्ट्यूम, मैं पूजा हूं या मैं आत्मा हूं, ये भेद पहले समझना पड़ेगा, इस भेद को समझकर स्वीकारने के बाद मैं राग द्वेष कर्म के बंधन से मुक्त होंगी। तो मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम,
मैं ही ध्याता ध्येय को चेतन मेरो नाम। चेतन की प्राप्ति, शुद्ध चेतना, परमात्मा की चेतना की प्राप्ति। तो जवाब मिला मुझे कि वो स्व का ध्यान कर रहे थे। स्व माने अहंकार वाला स्व नहीं, इगोइस्टिक आई वो नहीं। स्व माने स्व का आत्मा, आत्मा के बहुत डीपर। फिर तो बहुत हमारे साहब जी ने रियली बो डाउन की बहुत अच्छी वाचना दी। और आत्मा के गुण कैसे हैं, आत्मा को कितने कार्मिक वर्गणाएं लगती है, कि कैसे वो मुक्त हो सकता है, बहुत डीप में समझाया। रियली बहुत आनंद आया। और जरूर मुझे भी मौका मिला तो कुछ उस वाचना के ही अंश आपको भी सुनाऊंगी, हम लोग शेयर करेंगे। बिकॉज आई बिलीव कि नॉलेज या पैसा बांटने से बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। अब खाली बांट के देखो, जस्ट स्टार्टअप करो, और होल हार्टेडली, हाँ, छुपा छुपा के नहीं। अच्छा चलो, मुझे कुछ फ्री कोर्स देना है ना, आई एम गिविंग फ्री कोर्स। अब उस फ्री कोर्स में मैंने खाली 5 मिनट पढ़ाया और 2 घंटा मैंने टाइम पास किया। दिस इज रॉन्ग। देन आई शुड नॉट गिव फ्री, आई शुड टेल ओके पे मी दिस, टेक दिस, दैट वे आई एम प्रोफेशनल। पर अगर मैं या आप या हम सब कुछ देना चाहते हैं तो फुल्ली देना है, नहीं देना है तो मत दो। इफ यू वॉन्ट कि ओके इसका इतना प्राइस है, जस्ट आस्क इट। जिनको वो एनर्जी में आना होगा दे विल कम। एंड एज आई से आई बिलीव एंड आई डू। जहां पर मेरा जो चार्जेस है, आई टेल इट ब्लंटली, मेरा इतना चार्जेस है, आप इसको पे करो, मेरे से लेकर जाओ। फिर पर देने के टाइम पर इतनी परमात्मा की, देव गुरु धर्म की कृपा है कि देने के टाइम पर फिर मैं कंजूसाई नहीं करती, मैं वहां प्रोफेशनलिज्म नहीं लाती। आपने पे करा है एक कोर्स का, मुझे लग रहा है कि ये रियल में कुछ अच्छा बंदा है, इसकी एनर्जी अच्छी है, ही और शी कैन एक्सेप्ट व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टीच और कन्वे, देन आई गिव होल हार्टेडली। एंड इवन इफ आई डोंट फील, आई पुश देम, आई मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई टू गिव एवरीथिंग होल हार्टेडली। तो यहाँ पर हमारा आत्मा के ऊपर भी कितने गुण है, क्या सब है, बहुत डीप में बात हुआ, कभी बात करेंगे। पर आज वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ऐसा हमारा महामंत्र, नमस्कार महामंत्र, जो कैवल्य ज्ञान प्रकट करने के लिए भी सक्षम है, रियल में सक्षम है। ऐसे प्रकार के जाप, निज मंत्र के जाप को सतत जपने से जन्म जरा और मृत्यु का सदा निर्वाण होता है, मतलब वो ओवर हो जाती है साइकिल और मुक्ति की प्राप्ति होती है। पर उस मंत्र को क्या करना है, हमको मंत्र का जाप करना है। अब शब्द आता है हमारे पास जाप। जाप से आप क्या बोलोगे, जाप माने बैठे रहना, बोलते रहना, नमो रिंता नमो सिद्धाम नमो आय नमो सिद्धाम नमो आय राम नमो जन नमो सिद्धाम नमो आय राम नमो ओरियंताम। इज इट अ जाप? मतलब मेरा मौन है, उधर देखो दूध वाला आ गया, इधर नौकर वाली चालू है। भक्ता मरा प्रणत मणि प्रभाणा, क्या है? दिस इज नॉट द रियल वे। सामायिक किया, सामायिक के अंदर समता कितनी रखी, सामायिक समता के अंदर समता यानी शांत प्रशांत, और एक आत्मा को जानो, आत्मा को समझो। बाह्य क्रिया में घुस गए हैं, क्रिया के पीछे का तत्व भूल रहे हैं, छूट रहा है, और ये बहुत ही दुख की बात। कहीं तो ये हमको पिंच करता है। वाई वी शुड बी इनटू दैट पर्टिकुलर टास्क, इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट वी आर डूइंग, अदरवाइज डोंट डू। अगर मुझे पता है कि नेक्स्ट 1 आवर में मेरे घर की 4 बार डोरबेल बजने वाली है, एक बार दूध वाला, एक बार छापा वाला, एक बार मेरी रसोई वाली बाई आने वाली है, तो मैं क्यों सामायिक लेकर बैठू भाई? लॉजिक बताओ। अच्छा वो लोग आएंगे ना, सबका टाइम फ्री है, मैंने तो गेट ऐसे रख दिया है ना, वो आएंगे जाएंगे। पर वो आ रहे हैं तो आप तो उसको 50 इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, करके दे रहे हो, पर दे रहे हो ना,
मतलब आपका मन तो उसी इंस्ट्रक्शन में है, खाली बैठे हो कटासने के ऊपर, खाली बोला है कर्मी बनते सावज्जम। तो उस कर्मी बनते को समझो, शाश्वत सूत्र है। तो ये जो जाप का मतलब है ना, जा प्लस प, जाप करना है पहले तो तल्लीनता से, शुद्धि के साथ, काया की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मिक शुद्धि के साथ, और आत्मा की शुद्धि के लिए पहले तो, ठीक है। इतना एक्सेप्टेंस आने के बाद दूसरा, मैं जिस मंत्र का जाप कर रहा हूँ वो मेरा इष्ट मंत्र है और वो मुझे जरूर सिद्धि प्रदान करेगा, ये दृढ़ विश्वास पहले स्वीकार करना है, ठीक है। नौकर मंत्र इज माई मंत्र, मैंने स्वीकार, दो चार लॉजिक भी मुझे मिल गए कि बाई बर्थ जैन हूँ, मम्मी ने कान में दिया था, लोग मुझे सुना रहे हैं, मैं जैन हो के उपाश्रय में जाती तो उधर नवकार का जाप चालू है। ओके, कुछ कुछ प्रवचन में मैंने नवकार के बारे में सुना, मैंने उसके बारे में समझा, ओके, मैंने खुद ने लर्निंग किया, नवकार का तत्व सीखा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये सारे जो फेजेस है ना, दे ऑल आर दे दिस ऑल कम्स अंडर वन कैटेगरी विच इज नोन एज एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के बाद का स्टेज क्या है? पुट दैट लर्निंग इनटू द प्रैक्टिकल। अब वो प्रैक्टिकल में आपको पुट करना है, तो कैसे पुट करेंगे वो आज सीखो। तो जाप का महत्व है ज ज ने प बराबर, तो ज जो जन्म का विच्छेद करे, जाप कैसा होए, आत्मा की सिद्धि होए, आत्मा के कर्म कटे अने जन्म का विच्छेद हो, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, जिसका पूरा निवारण हो जाए, निर्वाण हो जाए, जन्म जरा ने मृत्यु नु निर्वाण, एटले जाप नो ज। तो ज जन्म का विच्छेद करे अने प पाप का सर्वथा समूल विनाश करे। तो जो जन्म का विच्छेद करे, जो पाप का नाश करे, उसको बोलेंगे जाप। ऐसा जाप कि जो जीवन के अंदर आत्मा को सर्व पाप से मुक्त होने का, सर्व पापों से फ्री होकर, मतलब क्लीन होकर आत्मिक स्थिति में स्थिर होने का और क्रमिक तौर पर अवस्था स्वरूप से सिद्ध गति में जाने का आलंबन दे, आलंबन का एक एनर्जी दे, उसको प्रोविजन मिले। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हर प्रकार के जेर जाप उतार सकता है। हम बोलते हैं ना, सर्पदंश के लिए ये है, ये जाप करो, इसके लिए ये जाप करो, ये गाथा करो, वो गाथा करो, क्यों? क्योंकि जाप में सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और जब मल्टीपल लोग, जैसे कि कोई सामूहिक शिविर है, मैं आई आपके गांव में और पूरा शिविर में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग बैठे हैं, अब हम सब साथ में मिलके जब वो गान कर रहे हैं, जब वो पाठ कर रहे हैं, तो हम सबकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है और वो पूरा जाप ब्रह्मांड में जा रहा है। और ब्रह्मांड में वो ही जाप का तो बहुत नंबर ऑफ वो हो गया होगा संख्या। अब आप सोचो वो एनर्जी रोटेट होकर वापस हमको ही मिलेगी, विच एवर वी गिव टू अर्थ मदर अर्थ दैट वी गेट बैक टू अर्थ, ये हमेशा का रूल है। आप रेंडम किसी को भी है ना, चलते चलते कोई अच्छा बंदा मतलब दिखे ना, कोई भी लड़की लड़का कोई भी, मतलब नॉर्मल फॉर्म में आई एम टेलिंग, सिंपल स्माइल देना, एकदम सोबर सिंपल सात्विकता वाला, हाँ, डोंट थिंक और डोंट टेक दिस लाइन एज अदरवाइज पॉइंट, तो आपको सामने से सात्विक स्माइल मिलेगा और वो ऊर्जा मिलेगी, पॉजिटिविटी। अब दूसरा चीज है, किसी के सामने जाकर ऐसे खुन्नस से देखना, ऐसे मारने की उस पे आ जाना, वो बंदे की भी वाइब्रेशन वही होगी, वो भी उसी जोन पर उसी मोड पे आ जाएगा। रीजन, व्हाट यू गिव दैट व्हाट यू रिसीव, ठीक है, ये सीधी बात है, सीधा नियम है। तो जाप जो हर प्रकार के जेर को उतारता है, तो अरिहंत परमात्मा की स्तुति रूप जाप हमारे जीवन के मिथ्यात्व रूपी हर प्रकार के जहर को क्या करता है, उतारता है, दूर करता है। तो जाप के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना है, जाप के 13 टाइप्स है,
कल हम बात करेंगे, आज मैं थोड़ा लंबा नहीं करूंगी, डोंट वरी। कल हम बात करेंगे कि 13 टाइप के जाप क्या है, उस 13 टाइप के जाप को करके हमको क्या फायदा होता है, और हर एक जाप जब हम करते हैं, नमस्कार महामंत्र के सापेक्ष में ये पूरा सिखा रही हूँ, तो नमस्कार महामंत्र का जब जाप करते हैं तो कैसे करना चाहिए, कौन से चक्र के कलर को विजुलाइज करके नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम हमको मन में बोलना चाहिए, जरूर कल बात करेंगे। तो जाप करेंगे कैसे, टाइप्स ऑफ जाप विल टेक अप टुमारो, बट आज 5 मिनट अभी है हमारे पास कि जाप करना कैसे है, बेसिक टेक्निकल रूल्स, एंड इफ वी कैन फॉलो दिस रूल्स इट इज वेल एंड गुड। अगर कुछ कुछ जगहों पर हमसे ये चीजें फॉलो नहीं होती है तो ओमकार, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ओमकार, ओम का जाप हम कोई भी रूल्स के बिना, कोई भी बाउंडेशन के बिना जब मन चाहे कर सकते, बाकी के हमारे सारे मंत्रास, नवकार मंत्र, उवसगहरम, भक्तामर, ऋषि मंडल, बड़ी शांति, छोटी शांति, ये सारे जो हमारे स्तोत्र है उसके अंदर मंत्राक्षर भरे पड़े हैं, इन इनका जाप करने का एक पर्टिकुलर प्रयोजन, पर्टिकुलर विधि और पर्टिकुलर वेज आउट हमको फॉलो करना है टू गेट दी मैक्सिमम आउटकम आउट ऑफ दैट। एंड अगर हमारा बोलते हैं ना, बाहर भौतिकता का कोई चीज क्लियर ना भी हुआ, एटलीस्ट हमारा वो सामायिक, एटलीस्ट हमारा वो जाप हमारी आत्मिक शुद्धि का तो रीजन बनेगा ही बनेगा, और इस लाइफ में या कोई भी लाइफ टाइम में हम उस ऊर्जा को प्राप्त करते रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर, अगर दिल से किया है। ये स्टार वाला कंडीशन है ना, हमेशा मैं बोलूंगी, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि जाप बहुत जोर जोर से बोल के नहीं करना। हाँ, सामूहिक भाष्य जाप है तब की बात अलग है, सामने 500 लोग बैठे और हम सब मिलकर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तब जोर से बोल के करना चाहिए। पर अब आप अकेले बैठे हो, अपनी खुद की साधना कर रहे हो, खुद के घर में, खुद के पूजा रूम में या बेडरूम में बैठ के आप साधना कर रहे हो, कोई मंदिर में, देरासर में जाकर साधना कर रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाउडर लाउडर वॉइस में जाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, जाप शांति में बैठकर, एकांत में बैठकर करना चाहिए। क्यों एकांत में, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटके नहीं, और कल हमने बात किया था मंत्र मतलब क्या, किसको याद है, मंत्र माने क्या होता है, मन प्लस त्र, जो मन को एकाग्र करे वैसा होता है मंत्र। तो ये मंत्र जो मन को एकाग्र करता है, तो अगर हम एकांत में अकेले बैठ के शांतिमय वातावरण में फोन टीवी मोबाइल दिस दैट सब कुछ स्विच ऑफ करके 10 मिनट 20 मिनट शांति से बैठ के अगर एकांत में जाप करें तो ये हमको अच्छा फास्ट आउटपुट देता है। पॉइंट नंबर थ्री, जाप अनिंद्रित होकर करें। अनिंद्रित माने जाप चालू किया नहीं और आंख बंद कर कैसे, जो का खाया नहीं, डोंट डू, तब स्विच वर्ड्स करो, असिया उषा स्विच वर्ड है, अरिहंत स्विच वर्ड, अरिहंत सिद्ध ऐसे स्विच वर्ड, स्विच वर्ड माने अपनी भाषा में मैं बोल रही हूँ, बाकी तो ऊपर का लेवल है सबका, पर आप खाली अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध बोलते रहो, तब ये रूल्स आपको फॉलो नहीं होंगे, चले असिया उसा बोलते रहो चले, ठीक है। पर व्हेन यू आर सिटिंग टू हैव द इंटेंशन कि आई एम नाउ गोइंग टू चैंट नमस्कार महामंत्र फॉर 108 टाइम फॉर सो एंड सो थिंग टू रिमूव माई कर्मास, टू जस्ट टू हैव आत्मिक ऊर्जा एनर्जी, जस्ट टू हैव पीस ऑफ माइंड और नथिंग बट जस्ट टू बी इन ग्रेटफुल इन द मेमोरीज ऑफ परमात्मा, हम ग्रेटफुल होकर भी जाप कर सकते हैं, हर बार जरूरी नहीं है संकल्प लेना, हर बार जरूरी नहीं है मांग मांग करना, वो भगवान भी मंदिर में बैठा हुआ सोचता होगा ना कि ये भिखारी बाहर है कि अंदर है, अंदर आकर भी मांगेंगे, बाहर बैठे वो भी बेचारे मांग ही रहे, तो हर बार मांगना नहीं है, मांगो ठीक है इट्स ओके, इच्छाएं हमारी एंडलेस है, पर एक पॉइंट आता है हर एक बंदे की लाइफ में जहां पर इच्छा धीरे 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 डाउन हो जाती है, जीरो हो
के निल हो जाती है। तो अगर ऐसे कोई पॉइंट पर आप हो, देन यू आर वेरी लकी एंड हैप्पी एंड यू शुड रादर फील वेरी हैप्पी एंड यू नीड टू जस्ट गो टू योर यू नो प्रेयर प्लेस, जो भी है, चर्च है, मॉस्क है, जो भी है, जाओ भगवान का शुक्रिया करो, जस्ट से थैंक यू, जस्ट बी ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल होकर भी जाप करो 108 नवकार मंत्र, जस्ट टू से थैंक यू टू परमात्मा कि मुझे शासन मिला, मुझे आदिनाथ दादा मिले, मुझे संखेश्वर पार्श्वनाथ और संखेश्वर जैसी तीर्थ भूमि मिली, जस्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल, दैट्स इट। और कुछ ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जाप अनिंद्रित होकर करे, खास सभी को बोलना है। मैं बहुत लोगों को खाली ऑब्जर्व करती हूँ, ज्यादा मेरा उपाश्रयों में जाना नहीं होता है, बट मैं नोटिस जब जब जाती हूँ करती हूँ कि लेडीज समवेयर और जनरल पीपल टेंडेंसी, दे आर टेकिंग सम एक एंड देन दे आर टॉकिंग, देन दे आर चैंटिंग, देन दे आर यू नो आस्किंग एंड शेयरिंग सम जो भी है अपनी फीलिंग्स, किसी के भी पॉइंट पर हो, फिर मम्मी के बारे में, सासू के बारे में, पापा के बारे में, जो भी। बट वाई, क्यों आप स्व आत्मा की सामायिक करने के लिए इधर इकट्ठा हुए हो? आपको सामूहिकता का पुण्य चाहिए, इसलिए आप इधर आए हो। तो सामूहिकता का बल चाहिए तो सामूहिक आत्मिक बल उत्पन्न करो ना, क्यों बैठ के फालतू की बातें करते हो? तो इसलिए अनिंद्रित होके मन को शांत करके जाप करना चाहिए, और नींद ना आ जाए उसमें आप नौकर वाले का एक पारा ना भूल जाओ। ऐसे छूट जाते हैं लोगों के पारे भी, चार पारे गिने और फिर पहुंच गए कहीं भी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ है सीन, तो पहले आओ मेरे पास, हीलिंग करवाओ, एनर्जी क्लेंस करवाओ। एनर्जी क्लेंस होने के बाद आप अपना काम करो, आप जाप चालू करो, फिर देखो आपको जोखा नहीं आएगा, आप अच्छे से उसमें स्थिर हो पाओगे। जस्ट ट्राई इट, जस्ट हैव दिस हीलिंग फ्रॉम मी। जाप स्वस्थ मन वाले होके करें, स्वस्थता मन की यानी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अस्वस्थ मन है, कुछ किसी के बारे में सोच रहे, कुछ बातें कर रहे, वहां पर उस समय पर जाप ना करें। फिफ्थ पॉइंट, जाप मौन पूर्वक करें। अभी आएगा मौन अग्यारस, मौन एकादशी, बहुत बड़ा त्योहार हमारा, जैन धर्म का पर्व बोलो, त्योहार बोलो, जो भी बोलो, बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा पुण्य अनुबंधी, पुण्य को उत्कृष्ट लेवल का पुण्य बांधने का एक उत्तम दिवस, एटले मौन अग्यारस, मौन एकादशी। तो ये मौनी एकादशी क्या बोलती है, पूरा दिन एक दिन मौन रहो। पर वो मौन क्यों रखा है आपको, कि स्व को समझो, अंदर जाओ, स्व आत्मा को समझो, देखो क्या हलचल है, उसको शांत होने दो, औषध करके मौन रहो, घर में रहते हो तो भी मौन रहो एक दिन खाली। विपासना अल्टीमेट मेडिटेशन आई वुड से। ये विपासना में क्या है, 12 दिन 10 दिन जो भी है मौन रहना है, मौन रहकर सुबह 6 से रात के 10 तक मात्र ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे बताओ, किस चीज का ध्यान करो? तब आएगी बात कि मैं तो खुद सत्ताए सिद्ध आत्मा हूँ, सत्ताए थी सिद्ध छू, पर हूँ भूली गयो छू कि हूँ आत्मा छू, हूँ सिद्ध आत्मा छू। पहले तो आधे लोगों को यही नहीं पता कि मैं आत्मा, मैं और अपना नाम का, इस कॉस्ट्यूम का, इस बॉडी का लेबल लेकर हम घूम रहे हैं। पहले तो उसमें से बाहर निकलो। सुनो कभी दादा भगवान फाउंडेशन के सारे वीडियोस बहुत अच्छे हैं, देन अपना SRMD श्रीमद राजचंद्र जी के, जो राकेश गुरुदेव के वीडियो आते हैं, बहुत अच्छे हैं। जस्ट गो टू यूट्यूब, ओपन टू ऑल है, फ्री टू ऑल है, खाली सुनो, 5-5 मिनट के वीडियो सुनेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड रियलिटी कि हम कहाँ गलत थे, हमको कहाँ पर क्या सुधार करना है और अब कैसे सुधार करना है। आगे बढ़ो, मेरी चैनल पर भी आई एम कीप ऑन ट्राइंग टू पुट समथिंग वन और द अदर वे, जरूर आइए। आई वुड रियली लव टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल ऑल्सो, द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, एवरीवेयर सेम नेम। सो जाप को मौन पूर्वक करें, एंड जाप को मानस जाप करने से फायदा क्या होता है कि हमको स्व की अनुभूति होती है, स्व का संवेदन प्राप्त होता है। और कल हम देखेंगे, सीखेंगे कि जाप के प्रकार,
उपांशु जाप, भाष्य जाप, ऐसे 13 अलग अलग जो प्रकार है, और हर प्रकार के अंदर नवकार मंत्र गिनने का फायदा, नवकार मंत्र की एनर्जी एक एक चक्र के साथ कैसे काम करती है, और नवकार मंत्र की हीलिंग हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे चक्रास के लिए, हमारी ओवरऑल आत्मिक ऊर्जा और एनर्जी, औरा की एनर्जी को पॉजिटिव एंड क्लेंस करने के लिए, तो कल जरूर 3:30 को आप लोग जुड़ेंगे ऑन द सेम पेज फेसबुक के ऊपर, द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग्स। एंड रियली रियली दिल से आप सबका थैंक यू, सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए, आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। एज वेल मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई तो सुन रहा है, किसी की लाइफ में चेंज आ रहा है, फिर सामने एक लोग है, 100 लोग है कि 1,000 लोग है, डजेंट मैटर, बट आप आओ, मैक्सिमम लोगों को लेकर आओ एंड शेयर करो, भर भर के इस वीडियो को शेयर करो। शेयर करने के लिए मैं क्यों इतना आपको बोलती हूँ, उसका भी एक ही रीजन है कि मैं चाहती हूँ हम सबके ज्ञानावरणीय कर्मा बाय शेयरिंग द नॉलेज कट हो, जो आवरण बन जाता है ज्ञान को लेने में, उसका क्षय हो जब हम उस वाणी को, क्योंकि ये वाणी तो परमात्मा की तीर्थंकरों की वाणी, मैं और आप कोई नहीं है, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, कुछ गुरु भगवंतों की प्रेरणा से उनके साथ रह के जो एक लर्निंग्स मिली है परमात्मा, अच्छा मैं दुकड़ा गुरु भगवंतों की वाचनाओं में से, कोई कोई जगह पर यूट्यूब से कुछ चीजें बहुत अच्छी मिल जाती है, कोई रियल जेन्यूइन लोगों को सुनकर अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बुक्स का शौक जो मेरी मम्मी ने मेरे अंदर बहुत अच्छे से डेवलप किया है, तो बुक्स का इतना शौक होने की वजह से बुक्स के वांछन से चीजें मिलती है, तो मैक्सिमम आई एम ट्राइंग कि जितना मैं यथाशक्ति मेरी समझ और शक्ति के हिसाब से आप तक पहुंच सकूं, पहुंचा सकूं, और आप भी ट्राई करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना बेस्ट प्रयास करें वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाने से, तो क्या होगा कि एक साथ एक बहुत अच्छी ऊर्जा का जनरेशन होगा, और हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिद्ध गति में इस नवकार मंत्र की, हर एक मंत्र की साधना करते करते आगे बढ़ सकते। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और अंत में पूजा की प्रेरणा, जो मुस्कान में जीता है, जो मुस्कान में जीता है और अपनी ओर से मुस्कान बांटता है, अपनी ओर से मुस्कान जो फ्री में है ना, स्माइल देना इज फ्री, कॉस्ट नहीं लगेगा, तो जो मुस्कान अपनी ओर से हर जगह पर बांटता है, उसका जीवन परमात्मा का पुरस्कार बन जाता है। कैसा लगे परमात्मा आके हमको शाबाशी दे, परमात्मा आके हमको गिफ्ट दे, तो वो परमात्मा का पुरस्कार है, अ वेरी गुड बिग एंड पॉजिटिव स्माइल, विथ गुड 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 स्माइल्स। थैंक यू सो मच, आत्मा नमस्ते, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।